हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षक के नियमितकरण को लेकर आज भोपाल से हम लाइव वीडियो दिखाने वाले और खबर बताने वाले हैं। ठीक है, आज के सम्मेलन में क्या हुआ, अतिथि शिक्षक के नियमितकरण को लेकर सुनील सिंह परिहार जी के द्वारा क्या बोला जा रहा है, मैं आपको लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या बोला है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या नीति बनाई जा रही है, इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी में देने वाला हूँ और आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी अपडेट पाने के लिए देख के पूरा वीडियो क्या बोल रहे हैं। और इससे पहले यदि हमारा काम करते हैं तो शिक्षक करते हैं तो मांगे क्या, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 40,000 आज से आप देने लगे, लेकिन 15 साल से हम काम कर रहे हैं, हमको बेरोजगार लोग, क्योंकि अभी जो होता है मध्य प्रदेश में साल भर में आपको 7-8 महीने रोजगार देते हैं, बाकी 15 साल काम करने के बाद ये जो भविष्य सुरक्षित है। हम इतना चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, और मुख्यमंत्री ही हमारी एक बात और कहना चाहते हैं मैम, मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता का पर्याय स्वयं को हर सभा में कहते हैं, हम सभी उनके भांजे और भांजियां हैं। 15 वर्षों से मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण और हमारी बहनों का कई जगह पर शारीरिक शोषण भी हुआ। अभी में एक समाचार पढ़ रहा था, एक महिला अतिथि बहन का शारीरिक शोषण तक हुआ, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश में और क्या हो सकता। हम लोग हर प्रकार से पीड़ित हैं, हम लोग योग्य हैं तभी इस व्यवस्था में हैं, हम परीक्षा देने तैयार हैं, लेकिन हमारी मांग है कि परीक्षा केवल अतिथि शिक्षकों की होना चाहिए, उसमें अन्य प्रतियोगियों के साथ हमें शामिल ना किया जाए। और हम आपकी संवेदनशीलता के कायल हैं, लेकिन हम सभी आपके प्रति तभी कृतज्ञ होंगे जब आप अपनी संवेदनशीलता दिखाएंगे और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, अन्यथा गरीब की हाय बुरी होती है। आप यह समझ लीजिए, आपको अभी किसी ने मुख्यमंत्री बनाया है, किसी शिक्षक की शिक्षा के माध्यम से ही आज आप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो आपको संवेदनशीलता का उदाहरण देना पड़ेगा, अपनी संवेदनशील भावनाओं को सिद्ध करना पड़ेगा। हम गरीब लोगों की, हम भांजे भांजियों की आप दुआएं लीजिए, अगर आप हमारी दुआएं लेंगे तो हो सकता है जीवन पर्यंत आप पद को सुशोभित करते रहें, यदि आप हमारी बद्दुआएं लेंगे तो निश्चित रूप से बड़े बड़े सत्ताधारी तहस नहस हो जाते हैं, आप किस खेत की मूली हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।